बोया बीवाई M1 की बैटरी कैसे चेंज करें। आप सोचेंगे कि ये बैटरी चेंज करना तो बहुत ही आसान बात है, लेकिन रुकिए 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 रुक जाइए, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने भी ऐसा किया था और उसने गलती से बैटरी लगा दिया और उसने अपना जो है बोया जो माइक जो है उसने ख़राब कर दिया। तो इसमें मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि कभी ना कभी एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब आपको बैटरी चेंज करना पड़ेगा। तो अच्छा से देख लीजिए कि किस तरह से इसकी बैटरी चेंज होती है, ताकि अपने बोया माइक को जो है ख़राब ना कर सकें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी तरह से मज़ेदार वीडियो बनाते रहते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप किस तरह आसानी से बोया BY-M1 की बैटरी चेंज कर सकते हैं। आपको जो है इस तरह से आपको राइट साइड से आपको घुमाना है इजीली आराम से, और घुमाने के बाद देखिए ये धीरे धीरे ये खुलने लगेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। जी हाँ, खुलने के बाद अगर आपको ये बैटरी निकालनी है तो साइड में एक रिबन जैसा रहेगा, उसको आराम से खींचिए, आपका बैटरी जो है आराम से निकालेगा। कुछ जो है मुश्किल का ऐसा बात नहीं है, सीधा रिबन रहेगा, उस रिबन को खोलिएगा, रिबन को जो है ऊपर की तरफ खींचिएगा और आपका बैटरी जो है खुल जाएगा। अब बैटरी को रिप्लेस करने के लिए, नया बैटरी लगाने के लिए इस रिबन को क्या करना है, आपको इसको जो है बाहर की तरफ जो है आधा हिस्सा बाहर की तरफ रखना है और उसको जो है सीधे की तरफ ही रखना है, उसको अंदर नहीं घुसाना है और न कहीं भी, वो सीधे की तरफ ही रहेगा और कुछ हिस्सा बाहर में रहेगा। अब ये बैटरी जो आप लोगे रिप्लेस करने के लिए, इसमें देखना जो उभरी हुआ साइड जो है मोटा वाला साइड, ये आपका जो है ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। इसको गलती से ऊपर की तरफ मत लगा देना, नहीं तो मेरे दोस्त की तरफ ही आपका जो बोया माइक ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये देखो बोया माइक का सीधा हिस्सा है ये, और ये जो नीचे वाला जो मोटा वाला हिस्सा है वो आपका जो है नीचे की तरफ इस तरीके से जाएगा, देख लो आप, ठीक है। और रिबन को वैसे ही रखना है आधा बाहर की तरफ, ठीक है, और ताकि वो बीच में रहे, ये ध्यान रहे, और उसमें बीच में रख के बस इसको प्रेस कर दो, कुछ नहीं, बस इसको प्रेस कर दो, ये आराम से जो है फिट हो जाएगा और हल्का सा रिबन जो है देखना साइड में बाहर निकला रहेगा। ये इसलिए रहता है ताकि जब आपको निकालने का ज़रूरत पड़े उस रिबन को खींच के आप आराम से निकाल सकते हैं, और उसके बाद इसको जो है आराम से बंद कर दीजिए। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर आप ये मोबाइल में यूज़ करते हैं तो आपको बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप DSLR में यूज़ करते हैं तो हमेशा जो है DSLR में जो है ऑप्शन ऑन करके यूज़ कीजिए, और जब आपको यूज़ नहीं करना है तो उसको नीचे की तरफ ऑफ़ कर दीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो बैटरी आपको सालों साल चलेगा, और अगर उसको कैमकॉर्डर यानी DSLR में ऑन छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी बैटरी आपको ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।